गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय यानी महाद्वीपों की जो श्रृंखला अपन ने शुरू की उसमें से जो आज अपन सबसे लास्ट महाद्वीप के बारे में बात करेंगे और लास्ट महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यानी यूरोप महाद्वीप की क्या क्या विशेषता है, तो यूरोप महाद्वीप की सभी प्रश्नों को देखने के लिए या यूरोप महाद्वीप की सारी विशेषताओं को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो अपन शुरू करते हैं। देखो यूरोप महाद्वीप है, अपन उसमें पढ़ेंगे कौन सी नदियां हैं, कौन सी जिले हैं, कौन सी प्रमुख नदी है, कौन सी झील प्रमुख है, कौन से पर्वत है, वहाँ पर मरुस्थल है एक नहीं है, या अपन और कुछ जो जल संधियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ सागर है उनके बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे देशों का जो समूह है उनके बारे में अपन बात करेंगे, या और कोई महत्वपूर्ण विशेषता है उनके उपनाम वगैरह हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। ये मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट के रूप में एक कच्चा जो मैप बनाया है उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें जो मार्क की हैं और कुछ चीज़ें अपन मार्क और करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यानी यहाँ पर कई सारे प्रायद्वीप हैं। जैसे देखो ये तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये तीन ओर से घिरा हुआ, ये तीन ओर से घिरा हुआ, ये तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। यानी यहाँ पर कई छोटे बड़े प्रायद्वीप हैं और इसी कारण यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। एक अपन प्रायद्वीप की बात कर ले जो कई बार पूछा जाता है, आपको पूछ सकते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है, तो इसमें कौन कौन से देश है इसको आपको हमेशा पूछा जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ पे है और कौन है। यहाँ पे आइबेरियन प्रायद्वीप है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप है यहाँ पे दो देश शामिल हैं, एक स्पेन है एक पुर्तगाल है। तो आपको सीधा पूछेंगे कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन से देश आते हैं, कौन से देश सम्मिलित हैं, तो आपको ध्यान रखना स्पेन और आपके पुर्तगाल, आपको SP याद रखना आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल। फिर अपन बात करते हैं ये जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर किसी भी प्रकार के मरुस्थल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना इसमें से कोई भी विशेष लाइन नहीं गुजरती है, न कर्क रेखा गुजरती है, न मकर रेखा गुजरती है, न विषुवत रेखा गुजरती है, इस महाद्वीप से कोई भी लाइन नहीं गुजरती। इसमें से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो आयनवर्तीय क्षेत्र है आर्कटिक वर्त वो इसमें से गुजरता है। ये अपन कह सकते हैं ये महाद्वीप इसमें से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे अपन आर्कटिक वर्त के रूप में जानते हैं। अब अपन इसके पहले बाहर वाले क्षेत्र की बात करते हैं। देखो ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यहाँ पे जो देश है मैप में वो आपका एशिया महाद्वीप यहाँ पे मिलेगा। कौन सा महाद्वीप मिलेगा? एशिया। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाले कुछ पार्ट हैं, कुछ भौगोलिक उच्चावच है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो मैंने डार्क किया हुआ है ये यहाँ पर है यूराल पर्वत है, तो एशिया और इसको अलग करता है यूरोप को यूराल पर्वत। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नदी आती है, ये कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूराल नदी है, ये भी अलग करने का काम करती है। फिर ये है कैस्पियन सागर, ये भी अलग करने का काम करता है। फिर एक काला सागर, ये भी क्या अलग करने का काम करता है। तो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यूराल पर्वत आएगा पहले आपको, फिर आपको यूराल नदी आएगी, फिर आपको यहाँ पे देखो काकेकस पर्वत भी ये अलग करने का काम करता है, फिर आएगा आपका कैस्पियन सागर, फिर आएगा आपका काला सागर, ये यूरोप पर्वत को अलग करने का काम दे यूरोप और एशिया को। फिर अपन बात करते हैं यूरोप और या नीचे अफ्रीका महाद्वीप, इनको मुख्य रूप से अलग करने का काम करता है भूमध्य सागर, ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं इस तरफ जो आएंगे, ये जो इधर वाला यूरोप के पश्चिम वाले क्षेत्र में आप देखते हो अंटार्कटिक महासागर आता है, जो एस आकार में फैला हुआ महासागर है अंटार्कटिक महासागर यहाँ पे आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो यूरोप का एक सबसे ऊपर जो देश है ये आइसलैंड है, ऐसा माना जाता है कि इसकी जो राजधानी है रेक्जाविक, ये राजधानी उत्तरतम राजधानी मानी जाती है, यानी सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी मानी जाती है? रेक्जाविक। और वो किसकी राजधानी? आइसलैंड की राजधानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो नॉर्वे देश है, नॉर्वे के पास में यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वे के पास में नॉर्वेजियन सागर है, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पे बेरेंट सागर है ऊपर की ओर, बेरेंट सागर, यहाँ पे श्वेत सागर है, श्वेत सागर, ये दो तीन सागर आपको ध्यान रखना।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पे पर्व श्रृंखलाओं के बारे में। सबसे पहले पर्व श्रृंखलाओं के बारे में देखो, एक आता है ये जो आपके नॉर्वे वगैरह देश है, यहाँ पे जेलेन पर्वत आता है, जोलेन पर्वत आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। जोलेन पर्वत कहाँ पे? नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वे के पास में, नॉर्वे देश में। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो काकेकस पर्वत मतलब आती है, ये अलग करने वाली, और काकेकस पर्वत है इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, दोनों एक ही है। इसकी भी सर्वोच्च चोटी है और यूरोप महाद्वीप की भी आपकी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुस नाम है। माउंट एल्ब्रुस नाम है, 5633 मीटर लंबी है, ऊंचाई पे स्थित है 5633। फिर अपन तीसरे पर्वत की बात करते हैं, जो मुख्य पर्वत है आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप का, ये नवीन वलित पर्वत है, और इन पर्वतों के साथ में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उसे अपन अल्पाइन तुल्य पर्वतमालाएं कहते हैं। जैसे जो नवीन पर्वतमाला है, जैसे हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, ये वाले ग्रेट डिवाइनिंग रेंज है, आल्पस है, तो ये सारे पर्वतमालाएं इस अल्पाइन के आल्पस पर्वत के नाम पर, इनको अपन अल्पाइन तुल्य पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इसके इनके समानांतर इसके समकाल में बने हुए। तो आल्पस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, आल्पस की तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लॉक, और यूरोप महाद्वीप की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एल्ब्रुस है। ये आपको ध्यान रखना मुख्य रूप से। ये हो गए तीन पर्वत जो मुख्य रूप से पर्वत है। फिर अपन एक और बात करेंगे जो इटली और फ्रांस या स्विट्जरलैंड को जो सीमा बनाने वाले पर्वत हैं उनके बारे में। जैसे देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये यहाँ पे है एक देश है फ्रांस, फ्रांस फ्रांस, और इधर है आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाने वाली एक पर्वत श्रृंखला जिसे अपन जूरा पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? जूरा पर्वतमाला। फ्रांस और स्पेन की, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाने वाले को जूरा पर्वतमाला कहते हैं। फ्रांस और यहाँ पे देश है आपका इटली, और यहाँ पे देश है फ्रांस, और एक देश है स्पेन, ठीक है, इनके चारों। तो फ्रांस और इटली यहाँ पे, यहाँ पे जो पर्वतमाला है, और यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पीरेनीज पर्वतमाला है। फ्रांस और स्पेन को जो अलग करने वाली या दोनों के मध्य जो उच्चावच है पर्वतमाला है वो पीरेनीज है। यहाँ पर है आल्पस। फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और आपके इटली के मध्य है आल्पस पर्वतमाला, ये इनको अलग करने का काम करती है। तो ये पर्वतमाला हो गई आपके तीन चार पर्वतमाला। फिर अपन बात करते हैं मुख्य रूप से जल संधि के, और जल संधियों में दो जल संधि मुख्य रूप से अपन बात करेंगे, बाकी कई सारी है। जैसे देखो एक तो है ये वाला इंग्लिश चैनल, ये देखो इंग्लैंड हो गया और नीचे वाले जो देश है जर्मनी वगैरह, तो यहाँ इंग्लिश चैनल से एक जल संधि गुजरती है जिसे अपन कहते हैं डोवर जल संधि कहते हैं। क्या कहता है? डोवर जल संधि कहता है। तो आपको पूछेंगे इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो आपको बताना है डोवर जल संधि। कौन सी है? डोवर जल संधि, ये लिखा हुआ डोवर। एक अपन बात करते हैं जिबाल्टर जल संधि के मूल, जिबाल्टर जल संधि। देखो ये भूमध्य सागर है और नीचे ये अफ्रीका वाला देश है, अफ्रीका महाद्वीप है ये अफ्रीका। तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर में जाने के लिए जो जल संधि है उसे अपन क्या कहते हैं? जिबाल्टर जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिबाल्टर जल संधि। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, जिबाल्टर जल संधि को। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। एक और अपन बात करेंगे कील नहर, ये भी पूछ ली जाती है। तो देखो ये आपका उत्तर सागर है, उत्तर सागर, और ये आपका बाल्टिक सागर है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने वाली जो नहर है तो उसे अपन क्या कहते हैं? कील नहर कहते हैं। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने वाली नहर को अपन क्या कहते हैं? कील नहर कहते हैं। एक यहाँ पे जैसे इंग्लिश चैनल है, एक और अपन बात करते हैं इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लिश चैनल में एक यहाँ स्थान दिया होता है साउथहैम्प्टन, साउथहैम्प्टन। ये साउथहैम्प्टन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको भूकंप के लिए प्रसिद्ध है, जवार बाटा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साउथहैम्प्टन जवार बाटा के लिए। तो जवार बाटा के लिए क्या प्रसिद्ध है? देखो साउथहैम्प्टन है, ये इंग्लैंड का देश है, भाग है। साउथहैम्प्टन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, या अपन कह सकते हैं इंग्लिश चैनल में,
यहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं एक दिन में। तो विश्व में एक दिन में सर्वाधिक ज्वार कौन से स्थान पर आते हैं? तो साउथहैम्पटन में आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। तो अपन ने पर्वतमाला पढ़ ली और यहाँ पे भूकंप वगैरह ज्वालामुखी वगैरह है नहीं, और यहाँ पे आपके मैंने नहरें बता दी, जल संधि बता दी। अब अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ घास के मैदान। इस वाले में मुख्य रूप से जो ठंडे घास के मैदान होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्टेपीज घास के मैदान। यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठंडे घास के मैदान है। एक हंगरी स्थान दिया हुआ है, जो आपका देश दिया हुआ था यहाँ पर, वहाँ हंगरी में प्रश्नल एक है पुष्टाज घास के मैदान। तो ध्यान रखना, पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं पुष्टाज, और स्टेपीज घास के मैदान यहाँ पाए। अब अपन बात करते हैं बाल्कन देश। बाल्कन देशों की श्रेणी में किसे माना जाता है? बाल्टिक देश या बाल्कन देश। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है ए ला ली, ए का मतलब होता है एस्टोनिया, यहाँ पर देश है एस्टोनिया, फिर आपका लाटविया और फिर लिथुआनिया। तो ए ला ली, क्या ध्यान रखना? ए ला ली, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 देश है बाल्कन देशों। फिर अपन बाम स्कैंडिनेवियन देश, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन देश है ये वाला, नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्पेन है, ये वाले स्पेन नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और इसके पास वाले जो देश है इनको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। यहाँ पे फिनलैंड भी आ जाएगा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, ये वाले, इनको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं इनको। और एक आता है आइबेरियन प्रायद्वीप, ये मैंने आपको बता दिया स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। अब देखो 2 देश दिया हुआ, रूस और तुर्की, इनके क्या विशेषता? रूस और तुर्की ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के मध्य है। यूरोप, रूस बड़ा देश है तो आधा हिस्सा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। तुर्की भी छोटा देश है लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप में, कुछ इसका हिस्सा कहता है एशिया महाद्वीप। तो ये भी आपको ध्यान रखना यूरोप और रूस और तुर्की के बारे में। फिर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ राइन नदी। ये जो राइन नदी है यहाँ पे, ये राइन नदी को रूहर प्रदेश भी कहा जाता है, राइन नदी के क्षेत्र को, क्योंकि राइन नदी है यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये नदी औद्योगिक क्षेत्रों के बीच में से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे जो जल परिवहन के रूप में इसको काम लिया जाता है, और यहाँ पे कोयला और लोहे के भंडार है कई खनिजों के, उसके कारण इसे कोल नदी या अपन कह सकते हैं यहाँ पर रूहर प्रदेश भी कहते हैं इस नदी के क्षेत्र को, कोयला का या उद्योगों का जो जल परिवहन के रूप में काम लेते हैं। तो राइन नदी को आपको ध्यान रखना, राइन नदी मुख्य रूप से, यहाँ पे एक रोटरडम बंदरगाह भी है राइन नदी के किनारे पे, जो व्यस्तम बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, और राइन नदी सबसे व्यस्तम नदी के रूप में जानी जाती है, और इनके क्षेत्र को रूहर क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ क्यों है? कोयले और उद्योगों के कारण। फिर अपन बात करते हैं डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी क्यों प्रसिद्ध है? ये जो डेन्यूब नदी है ये काला सागर में आने वाली है डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी क्या करती है? ये यूरोप के 4-5 देशों की राजधानियों से, या अपन ऐसे कह सकते हैं कई शहरों से होकर गुजरती है। इसी ये लंबी नदी नहीं है, लेकिन ये जो नदी है, लंबी नदी तो यूराल नदी है, आपके वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे तो वोल्गा नदी है, लेकिन ये दूसरी लंबी है, लेकिन ये कई सारे शहरों की राजधानियों से होकर गुजरती है। तो ये डेन्यूब नदी पूछी जाती है कि ये कौन सी नदी है जो कई सारे शहरों से होकर गुजरती है यूरोप के, तो डेन्यूब नदी कहते हैं, और डेन्यूब नदी काला सागर में आके गिरती है। ये हो गई डेन्यूब नदी। एक है वोल्गा नदी। वोल्गा मैंने आपको बता दिया यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है वोल्गा नदी। एक आता है कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर क्या है? झील है, और इसके बारे में याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपके कैस्पियन सागर झील है। फिर अपन अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे देखो एक दिया हुआ बोथनिया की खाड़ी। ये जो बाल्टिक देश है, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के जो उत्तर वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी है, ये बाल्कन देशों का। यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी भी पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप में है, बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। देखो ये फ्रांस वगैरह है तो यहाँ पे इस पे बिस्के की खाड़ी है,
फ्रांस के पास में किसकी खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। फिर अपन बात करते हैं ये इटली वाला क्षेत्र है, इटली के पूर्व में या इटली के भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर यहाँ पे एंड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है? एंड्रियाटिक सागर है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं काला सागर की। ये जो काला सागर है यहाँ पर चार नदी आके गुजरती है, चार नदी आके इस काले सागर में पड़ती है। देखो एक तो आती है, देखो डी डी एन एन लिखा, डबल डी डबल एन, डेन्यूब, और एक यहाँ पे आ जाती है डोन, डॉन, डेन्यूब, नीपर, निस्टर। ये जो चार नदियाँ हैं डबल डी डबल एन, डॉन, डेन्यूब, नीपर और निस्टर, ये चार नदियाँ काला सागर में आकर गिरती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, एक साथ में चार नदियाँ, ऐसे आपको काला सागर बना देना है और इस काले सागर में डी टू एन टू लिख देना है, ताकि आपको पता रहे काला सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। चार नदियाँ गिरती हैं, डॉन, डेन्यूब, नीपर, निस्टर। देखिए फिर देखो ये यहाँ पे दिया हुआ कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल नदी, तो यहाँ लिख देना है यू वी, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है ना, यू वी लिखते हो, यू यानी यूराल, वी यानी वोल्गा नदी। तो कैस्पियन सागर में दो नदियाँ कहते हैं, एक तो यूराल नदी और एक वोल्गा नदी। तो ये हो गई नदियों के बारे में। देखो अपन ने पर्वतों के बारे में पढ़ा, तीन पर्वत है, और यूरोप का जो सबसे ऊंचा जो चोटी है काकेकस पर्वत में वो माउंट एल्ब्रुस है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन ने घास पढ़ लिए, प्रायद्वीप पढ़ लिए, फिर अपन नदियाँ पढ़ी, फिर अपन ने ये जो प्रदेशों को अलग करने वाले क्षेत्र है, फिर अपन ने सागर पढ़ लिए, फिर मैंने आपको दो जल संधियाँ बताई थी। देखो और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उनके बारे में आपको ध्यान पूर्वक देखने की ज़रूरत है। जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ फिनलैंड देश है, ये फिनलैंड, इस फिनलैंड को कहते हैं हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश, किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं यहाँ ये जो महाद्वीप है यहाँ पर ये ठंडी जलवायु प्रदेश क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक जलधारा आती है, जलधारा, गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा कहो या अपन कहो उत्तरी अटलांटिक पर्वत कहो, ये जो जलधारा है ये यहाँ के ठंडे क्षेत्र को क्या करती है? गर्म कर देती है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है मौसम सुहावना हो जाता है, यहाँ के जो बर्फ़ जमे होते हैं बंदरगाह के ऊपर वो बर्फ़ पिघल जाती है, इसलिए यूरोप के जो अधिकांश बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं। फिर जो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक चीज़ तो ये बात। फिर यहाँ भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे अंगूर है, खट्टे फल है, रसदार फल है, जैतून है, अंगूर है, नींबू है, इस प्रकार के फल आपको यहाँ पे पाए जाएंगे। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार और खट्टे फल पाए जाते हैं, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। और भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जिसको अपन कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तो इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, उसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्यों प्रकाश स्तंभ कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतना ऊंचाई पर उसका जो लावा है या उसके जो लावे की जो आग है उसके कारण चारों ओर कई किलोमीटर क्षेत्र में जो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, रोशनी रोशनी दिखाई दे, इसलिए इसे उसे अपन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी। और कोई चीज़ याद आ रही है तो देखो, ये तो हो गए आपके। और देखो जो इंग्लैंड है वो आपके टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ इंग्लैंड से। फिर यहाँ एक और पूछा जाता है जो आपका फ्रांस शहर है पेरिस, ये सीन नदी के किनारे पे बसा हुआ, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्रांस दोनों चीज़ें के ये दोनों आपको हमेशा पूछे जाते हैं। और देखो और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई देश अगर दिया हुआ है, ये जो महाद्वीप है ये वाला महाद्वीप, ये महाद्वीप आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के इधर वाले क्षेत्र में है, ये भी ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो इंग्लैंड है यहाँ पे, ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, जो आपकी GMT जो टाइम लाइन है ग्रीनविच रेखा वो यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे लंदन में एक जो वेधशाला उसका ही नाम है ग्रीनविच या ग्रीनविच शहर, तो इसके कारण इस रेखा का नाम भी जो 0 डिग्री दशांतर है उसका नाम यहाँ पे पड़ा ग्रीनविच, इस के कारण ग्रीनविच शहर के कारण। तो ये आज अपन ने जो पढ़ा
यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो छोटे बड़े जो तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में, नदियाँ हैं, घास के प्रदेश है, जिले हैं, सागर हैं या जल संधियाँ हैं या यहाँ पे जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में। और आपको इस वीडियो को एक से दो बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और कुछ ऐसे प्रश्न भी जो आपको याद हो जाएंगे और कुछ आपको पहले से भी याद। तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करें और आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।